वहराने भी देखे हैं और आबादी भी देखी है जो उजड़े तो फिर ना बसे दिल वो निराली बसती है दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं भाई दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं भाई बस्ती बसना खेल नहीं बस्ते बस्ते बस्ती है हदीस का मैं हवाला पहले आपको दे देता हूं ये मैंने पढ़ा है और इस किताब को जानते भी होंगे अरबी जुबान में किताब है जिसको कहते दुर्रतुन नासिहीन ये अरबी जुबान में किताब है जिसमे यह हदीस पाक मौजूद है क्या फरमाया नबी करीम सल्लाम ने हजरत नबी करीम सल्ला ने फरमाया मेरी उम्म पर अंकरीब एक जमाना ऐसा आने वाला है सुनना हदीस पाक सुनना अल्लाह हम सब कौम की तोफीक नसीब फरमाए हदीस में फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के करीब करीब मेरी उम्मत परन करीब एक ज़माना समझ रखने वाले लोग उलमा और फुकहा से दूर भागेंगे उनसे नफरत करेंगे उनसे दुश्मन या रखेंगे जिसके नतीजे में हजरत नबी करीम वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब उन्हें दुनिया की जिंदगी में तीन अजहबों में मुबतला कर देगा इनको दुनिया की तीन आज में, में मुबतला कर देगा नंबर एक उनकी कमाई में से जाएगी। आज बहुत से लोग कहते हैं बरकत रहती हमारे आका ने फरमाया जिसने से नफरत की है जिसने ओलमा से बुरा सलूक किया है अल्लाह पाक उसकी कमाई में से बरकत को उठा लेगा और मेरी जिंदगी का तजर्बा जिन लोगों से भी मुलाकात होती है हमेशा एक ही बात कहते हैं जब भी कहीं सफर करना होता है हमेशा एक ही बात कहते हैं मलसा बहु कमाउ पैसा भी बहु पर बरकत नहीं तो बरकत क्यों उठती है जब हम अपने दिल में ओलमा के बारे में नफरत पैदा करते हैं और दूसरी बात क्या बयान फरमाई हदीस में नबी करीम सलम ने जो ओलमा से नफरत करते हैं से दूर भागते हैं अल्लाह पाक उन पर जालिम बादशाह मुसलत कर देगा अब हम खुद अपने मुल्क के हालात को देखकर यह फैसला कर सकते हैं हैं कि इस वक्त क्या हो रहा हैं। है फरमाते कि दूसरा अदा बल्ला पाक उन पर जालिम बादशाह को मुसलत कर देगा और तीसरी बात बयान फरमाई मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हदीस में फरमाया नबी करीम वसल्लम ने ऐसे लोग दुनिया से बेईमान जाएंगे यानी इनका ईमान दुनिया की जिंदगी में खत्म हो जाएगा यानी मौत से पहले पहले अल्लाह पाक उनसे कलमे की दौलत को छीन लेगा अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए इसलिए ओलमा ने फरमाया कि जिसने ओलमा के साथ बुरा सलूक किया जिसने ओलमा के साथ बुरा बर्ताव किया उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए हो सकता है अल्लाह मौत के वक्त कलमे को छीन ले